आप खुद दिल्ली मायापुरी से हो? मायापुरी से हूँ भाई। मैं मायापुरी इसलिए बहुत जरूरी बोल रहा हूँ क्योंकि मायापुरी बोलते समय मेरे मुंह में पानी आता है, क्योंकि वहां से अच्छा चिकन मांचाओ मैंने रेडी वाला खाना नहीं खाया। अरे पर मैं सरप्राइज हूँ, मायापुरी वाली इन्फॉर्मेशन भी है क्या गूगल पे? गूगल पे मेरे को, मैं खुद हूँ ना। अच्छा खाना जाके ढूंढते भाई। हाँ भाई, मायापुरी मतलब मेरी एक्चुअली मेरे जो फादर है वो बहुत ही एक गवर्नमेंट सर्विस करते थे, जिनकी मायापुरी में जो प्रेस है उसके अंदर, उस उनको वहाँ पे प्रेस क्वार्टर मिला था। तो मैं बहुत ही मतलब बहुत ही बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस क्वार्टर में हम लोग रहते थे, जो बहुत ही छोटा टू रूम सेटअप होता था। ऐसे 2 BHK भी नहीं होता, मतलब 2 कमरे ही होते हैं। तो ये बात मैंने आज तक शायद किसी को बताई भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि तो वहाँ मायापुरी में था। उसके बाद हम रोहिणी में शिफ्ट हो गए थे। पर मायापुरी की खास बात यह है कि वो सारी ज़िंदगी की जो बचपना पूरा चलाकियाँ बदमाशियाँ जो शरारतें मायापुरी और सुभाष नगर अर्जुरी गार्डन से ही निकली। नहीं देखो, आप पंजाबी हो तो मतलब खाने की बात तो मतलब बेफिक्र बोल दो आप ना, मायापुरी या रोहिणी का खाना जिंदगी भर। मुझे लगता है कि खाना तो दिल्ली में ही मिलता है, मायापुरी हो चाहे गोल मार्केट हो चाहे कनॉट प्लेस हो चाहे करोल बाग हो चाहे छोले भटूरे राजमा चावल। आई डोंट नो व्हाई पीपल लिविंग इन दिस सिटी, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग? मतलब जिसने छोले भटूरे नहीं खाया राजमा चावल नहीं खाया वो क्या कर रहे हैं? व्हाई दे लिविंग? जो भी बॉम्बे में दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत अच्छे राजमा चावल बनते हैं, वो कृति सनम। हाँ क्या मतलब उनके घर पे तो मुझे हमेशा कृति बोलते कि भाई घर पे आ जा राजमा चावल बने हैं। तो एंड शी नो दैट हाउ मच आई लव राजमा चावल। तो वो हमेशा जब भी अब तो पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा मुलाकात 2-3 साल तक तो नहीं हुई, लेकिन जब भी राजमा चावल बनते थे तो मैं हमेशा वहाँ पे होता था। मतलब उसका मतलब मुझसे मिलना नहीं होता था कि इसको राजमा चावल खिला दो, भूखा आदमी है ये। तो वो तो कृति नूपुर ने मुझे जितने राजमा चावल खिलाए उतने राजमा चावल तो शायद मैंने बॉम्बे में नहीं खाए। अरे वाह यार, ये तो सही बात है यार। अरे भाई ये बताओ, इमोशनल कर देता तो सही। ये मैं मतलब राजमा चावल तो मैं भी माउथ वाटर कर रहा है, बट संडे राजमा चावल हमारे घर में बन ही जाता है, मतलब इट्स अ गिवन। ये पंजाबी तो ना फिक्स होता है शनिवार, मतलब पंजाबी हाँ। शुरू हो जाएगी मेरे मुंह से कि शनिवार को सैटरडे को काले चने, थर्सडे को कड़ी बनेगी, संडे को राजमा चावल बनने ने, बाकी दिन आलू गोभी के पराठे बनने ने, बस फिक चिट्ठा मक्खन, सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। सुबह सुबह आके मूसली खाओ, यू नो दिस चॉकलेट मिल्क दिस फ्रूट सैलेड, नहीं होता मुझसे, बट क्या करेंगे यार, नहीं होता। भाई वो बेस्ट ये भी चीज होती है ना कि आलू जो बच जाता है उसका रात को शाम को सैंडविच बन जाता है। वो किसी भी सब्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके ना वो ऐसा चीज बना देंगे। इवन बेस्ट पार्ट ऑफ आवर मदर, उनको पता है कि खाना अगर सब्जी भी कम है ना वो पता नहीं कैसे उसमें दोबारा पानी डाल के नया तड़का लगा के उसको ऐसा भर देंगे कि मतलब सबके लिए पूरा हो जाए। गजब है भाई, ये टैलेंट है मम्मियों का, ये मतलब कमाल का टैलेंट है। हर माँ के अंदर जो एक क्वालिटी होती है ना कि वो किसी भी अभी वो अगर कोई आलू मेथी बन जाएगा तो उसको भी वो सब्जी में रोटी में डाल के कुछ आलू मेथी की रोटी भी बना सकती है, वो कुछ भी कर सकती है।